हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गेमिंग साइड। और गाइस आज मल्टीप्लेयर है फार्मिंग सिमुलेटर 18 का, और आज मैंने कमर को कन्विंस कर लिया है कि वो मेरे साथ आके फार्मिंग सिमुलेटर 18 का जो है वो मल्टीप्लेयर गेम प्ले ज्वाइन करे। और कमर आपको बताएगा कि कैसा है हालचाल और क्या मतलब वो कर रहा है, तब तक जो है वो मैं गेम क्रिएट करता हूँ। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और आपके गेम के ज्वाइन करने का वेट कर रहा हूँ। कर दिए मैंने क्रिएट, करो ज्वाइन। वन सेकेंड। अरे वाह वाह वाह, क्या हुआ? गेम में आ गया और क्या हुआ? अच्छा भाई, नेचुरल ही रहे, कोई ज़्यादा मतलब क्या ना ओवर करने की ज़रूरत नहीं है। जो नेचुरल जिस तरह से बात करते हो ना मुझसे, उसी तरह करो। अच्छा, बिल्कुल नेचुरल हूँ यार। मैं कर रहा हूँ हार्वेस्ट ये क्रॉप। तू इदा कर माड़ा का, मेरा वीरा पीछे ट्रैक्टर ले आ। यार आई एम सॉरी, मेरे मुंह से ना अचानक पंजाबी निकल गई। ये जड़ी छड़वी पंजाबी निकली होंगी है ना, ऐसा कुछ करना पैना। और सुनाओ कमर, क्या कर रहे हो आजकल? हाँ बस ठीक। एक्सट्रीम गेमिंग फीवर को मैनेज करने के अलावा उसको अलग मैनेज करने के अलावा बस घर के काम और क्या यार। अच्छा तो नेक्स्ट कौन सी सीरीज शुरू करने का प्लान है वैसे तुम्हारा? कोई गेमिंग साइड के लिए वैसे तुमने सीरीज सोची है? नहीं यार, गेमिंग साइड के लिए नहीं अभी फिलहाल। अच्छा, वो फार्मर्स टाउन जो हमने करना था शुरू, हाँ वो तो बनाएंगे वो इंशाल्लाह। करेंगे हाँ गेमिंग हाँ साइड बिल्कुल, पे। हाँ, गेमिंग साइड पे करेंगे यार, करना हाँ, चाहिए वो मेरे हम ख्याल से। दोबारा जो है वो स्टोरी थोड़ी सी ट्रांसलेट कर लिया करेंगे उर्दू में। हाँ अच्छा जी, इसमें हमारे ट्रैक्टर दो हैं या एक है? हाँ दो है ट्रैक्टर, दो हैं, दो हैं। अच्छा, मेरे जहन से निकल गया गाइस, मैं इसको बोलने वाला था कि यार वो लेके आओ अपना, क्या बोलते हैं इसको, लोडिंग वैगन। वैसे और लोडिंग वैगन आती कितने की है यार? देखो, नहीं तो यार स्ट्रॉ बहुत महंगा महंगा मतलब सेल होता है यार। आज मैंने FS16 के गेम प्ले में 50,000 रुपये का यार दो ट्रॉली मतलब ना सेल की है। कितने की है लोडिंग वैगन? अभी पता नहीं, देखना पड़ेगा ना। हाँ हाँ चेक करो। लोडिंग वैगन तड़ा फेल ऑफ हो गया। अच्छा यार, एक ये ऐसे है, अगर हमने लोडिंग वैगन ले लिया ना तो फिर हमारे पल्ले कख नहीं रहना। बताओ हाँ क्या करना है? नहीं नहीं फिलहाल तो नहीं, इम्पॉसिबल है। अभी है ना थोड़ा सा इसको चलेना। तो गाइस, जो कल वाला गेम प्ले था, आपने पिछला गेम प्ले देखा फार्मिंग सिमुलेटर 18 का, वो मैंने आपको पहले ही उसी गेम प्ले में वार्न कर दिया था कि हो कितनी सकता है बढ़िया कि हार्वेस्टर। ये पूरा ना मतलब कि 80% हो गई है, जा ले आ दूसरे का। ये हार्वेस्टर भी एमी खड़पे चीज ही है। यार मैं आज दूसरे कंट्रोलर्स खेल रहा हूँ, कितनी अजीब लग रही है यार क्यों? ये जो नया कंट्रोलर, इसकी आदत हो गई मैं है ना ना। एक्सबॉक्स के कंट्रोलर का चस्का पड़ गया। हाँ ये देखो सही से कंट्रोल नहीं हो रहा प्रेशर। चलो कोई ना, वैसे इस गेम की फिजिक्स भी थोड़ी सी चेंज है। हाँ अच्छा, वाकई कोई वाकई ये भी कोई बात है। नॉस्टैल्जिया के कोई पुरानी यादें ताज़ा हो रही हों फार्मिंग सिमुलेटर 18 देख के? हाँ हो तो रही है यार, हो तो रही है बिल्कुल। लगता है तुम्हारी आवाज़ पहले कम आ रही थी। माइक ही तुमने दूसरा अटैच किया ना इसलिए। अच्छा खैर, मैं लेके आता हूँ जनाब वो सीडर। ओहो तो अबे नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है? मैं और क्या। क्यों तुम कोई बाज रहे हो? ठोकना फिर रहा है। वो जैसे वो मैंने रिसेंटली गेम पे बनाया, उसमें एक हेल्पर था वो बड़ा पागल, मैंने फिर उसके ऊपर शीश चेन चलाने की वो वॉइस लगा दी थी। अच्छा प्लांट क्या करना है मुझे ये बता दो जल्दी। प्लांट क्या करना है? कौन प्लांट करें जिसके हमारे पास हेडर ही नहीं है? ओ कनोला हाँ प्लांट, प्लांट करते हैं यार बिल्कुल। हम ऐसा करते हैं, पहले कनोला प्लांट करते हैं, जब हमारे पास पैसे हो गए तो फिर जनाब हम लोडिंग वैगन लेके तो फिर उस मतलब उसका स्ट्रॉ जो है ना वो भी सेल के अच्छा, करेंगे। कोई तुमने मतलब ज़्यादा डिटेल से नहीं बताया कि फार्मिंग सिमुलेटर 18 इतने दिनों के बाद खेल के कैसा लग रहा है? हाँ वाकई यार, क्या बताऊँ यार, बस नॉर्मल लग रहा है। क्या सारी ये गेम तो एक जैसी तो हैं। वाकई, अभी देखना इसमें थोड़ी देर बाद मैं AK-47 उठा के तीन बंदों को नॉकआउट कर दूंगा और सोलो वर्सेस स्क्वाड का टाइटल दे दूंगा इस गेम नहीं देखो, मेरा मतलब सारी है फार्मिंग सिमुलेटर गेम्स। ना? वैसे बोला ना, नहीं तुम कह रहे थे सारी गेम्स एक जैसी तो है। नहीं नहीं
मैंने कहा फार्मिंग सिमुलेटर 2016 और 18 सारी एक जैसी हैं। अरे पबजी की जान कब छोड़नी तुमने? छोड़ दी यार, मैं पता ही है। अभी तो तुम चिमड़े हुए थे थोड़ी देर पहले। नहीं मैं आया था तो तुम आईपैड से खेल रहे थे, दो दो खेल रहे थे। नहीं वो तो बस कभी कभार चस्का जरा सी है, वो क्या उसको बोलते हैं, चुस्की लगा रहे थे। हाँ। ये बहुत चुस्कियाँ लगाता है गाइस पबजी। कितनी कितनी है हार्वेस्टर अब? अभी तकरीबन 12% हुई है। अच्छा जी। मेरा ख्याल है हमें ऐसा करना चाहिए, मैं बताता हूँ तुम्हें प्लान। इसके बाद हमें फ़ौरन ले लेना चाहिए जनाब वो क्या नाम है, मोवर, क्योंकि वो ग्रास का फील्ड है ना, वो हम 5-6 दफ़ा ना मतलब उसे कर देंगे हार्वेस्ट, मोव कर देंगे ग्रास को, काट देंगे। तो उससे ये होगा कि जब हम लोडिंग वैगन लेंगे ना, तो फिर वो एक फील्ड में 3-4 दफ़ा ना मतलब भर जाएगी, तो हमें फिर भी मतलब काफ़ी ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। क्या प्लान है इसमें? मतलब मैंने FS16 की जो न्यू सीरीज है ना एक्सपर्ट मोड में, उसमें ऐसा ही किया लूट। वो जो 84 BLs आई थी एक फिल्म में से, हाँ 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 बिल्कुल वही चक्कर है। और कहाँ लेके जा रहे हो हार्वेस्टर को अब? वो खाली कर दी मैंने। अच्छा हाँ, उससे अच्छा पहले जी, मेरी बात मोवर सुनो, मोवर। उससे पहले हमें फर्टिलाइजर का कुछ इंतज़ाम करना होगा। वो मोवर तो आ जाएगा, लेकिन ये ट्रैक्टर खींच लेंगे ये। हाँ खींच लेंगे, वो छोटा होगा ना। ओए यार, पहले फर्टिलाइजर लेना था ना हमने। तो ले लेते हैं, वो किधर है अच्छा दूसरा हाँ ट्रैक्टर? सच, इनमें जो साइलोज हैं वहाँ भी क्रॉप्स पड़ी होंगी, जाओ सेल करके। हार्वेस्टर कोई ट्रैक्टर ही नहीं है फार्म। के बीच में मतलब वो ने तोड़ना वहाँ हेल्पर पला। लगा देना ना। ओहो यार, ये बहुत स्लो है हार्वेस्टर तो। वो पता नहीं हेल्पर ने ऐसे काम भी नहीं करना हार्वेस्टर के पीछे अच्छा लगा फिर दिया। तुम ये क्या कर रहे हो, आओ इधर प्लांट करो, अरे अब। इसको हेल्पर को डिसमिस कैसे करते हैं? और इस बटन से यार, इससे अब लगा पता? ओके गाइस, मैं तो आज असल में जो लास्ट टाइम मैं खेल रहा था तो उस वक्त मैं कीबोर्ड पे खेल रहा था। आज बड़े दिनों के बाद मतलब ये कंट्रोलर पे खेल रहा हूँ। और इसकी जो की मैपिंग है ना कंट्रोलर पे, वो डिफरेंट है फार्मिंग सिमुलेटर 20 के मुकाबले में। FS16 की और 18 की एक जैसी ही ऑलमोस्ट, वैसे भी गेम्स ग्राफिक्स के लिहाज से भी एक जैसी ही। ये मेरे ख्याल से ना कोई अनरियल इंजन टाइप में कि इस तरह की थोड़ी सी सी दी यार। अच्छा यार, ये इसके कैमरा की सेंसिटिविटी है ना बड़ी, मतलब कि हाँ वाकई, नहीं ये तुम्हें कंट्रोल अच्छे तरह करना नहीं आता। हाँ इसकी ज़्यादा है FS20 के मुकाबले में सेंसिटिविटी। वो एकदम से वो जूम इन हाँ और हाँ जूम हाँ आउट बड़ा अब्रप्ट सा होता है। हाँ नहीं ये न्यू कंट्रोल से तो बड़ा बड़ी अच्छी तरह हो सकता है अगर हम करें तो। यार मैं कर तो रहा हूँ कोशिश। लगता है हमारा नेट स्लो है। हाँ इंटरनेट इंटरनेट का इससे हाँ क्या लेना देना? मेरी गेम लैग कर रही है ना। मेरी तो ठीक है, पता नहीं आईपैड के ऊपर ऐसे ही चलती है मक्खन की तरह। चलो ऐसा करो, कोई गप सुनो। नहीं गप नहीं है मेरे पास। कोई झूठ मूठ की कहानी कि तुम कॉलेज में पढ़ते थे, फिर तुम पे एक लड़की जो है वो लड़की ने मर गई मुझे तुम पे लड़की ने मुझे देखा और उसने चीखे मारी। नहीं बहुत चीखे निकली, किसकी? चीखे निकली, भला किसकी? मेरी क्यों? वो लड़की चुड़ैल थी, उसके पांव पीछे को थे। नहीं, फिर भी क्यों चीखे निकली? पता नहीं, अब मुझे क्या पता भी उसने तुम्हें करीब आके सूंघ लिया होगा। यार, चीखे मेरी निकली थी ना अच्छा, फिर तुमने उसको सूंघ लिया होगा। नहीं चलो वाकई भाई। कोई मतलब थी कोई ओ नहीं नहीं यार, यार, क्यों टक्करे क्यों मार रहे हो मुझे कहा ना यार कंट्रोलर अभी यार? हाथ पे नहीं चढ़ा। एक मिनट एक मिनट, मुझे यहाँ पे ना थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। आई एम सॉरी, क्यों? है एक बस पर्सनल रीजन। ओह हो, बड़ी गंदी खुजली हो रही थी। ओके, तो अभी अभी देखना यार, लोगों ने ना बहुत ज़्यादा कहना है कि फेस कैम क्यों नहीं डाला। यार सच्ची बात तो मैं बताऊं, मुझे तो वैसे ही कैमरे से बहुत डर लगता है। कैमरा इसको खा जाता है। कभी मैंने पर्सनल पिक्चर भी लेनी हो ना, पर्सनल तो मैंने कभी ली ही नहीं यार,
अगर तुम्हें पता है, तुम्हें भी लेनी हो तो मेरी घंटा मिन्नतें करनी पड़ती हैं हाँ जनाब। गाइज, ये बहुत मिन्नतें करवाता है, ये तस्वीर खिंचवाता ही नहीं है। इतने शाहरुख खान की यार तस्वीर लेना आसान है, इसकी तस्वीर लेना बहुत मुश्किल ओ शाहरुख खान को छोड़ो है। और ये शाहरुख खान को भी नहीं पसंद ओ करता। नहीं, पसंद पसंद की बात नहीं है, वैसे वो फौत होने वाला है आजकल। यार कमाल है वो, इन वो हीरो आ रहे फिल्मों में, तुम कह रहे हो वाकई फौत होने वाला है। लेते होर की मुझे नहीं पता था भाई। यार, वो हीरो आता है अभी भी फिल्मों में। अच्छा मैंने कहा अब तो शायद बाबू बन गया होगा, मतलब फिल्मों में जो होते हैं ना। अच्छा खैर, अच्छा दफा करो, शाहरुख खान को गोली मारो। और वैसे भी क्या करना है उसको, हम गेम प्ले बना रहे हैं तो अभी बताओ कि क्या करना है। अभी ये ट्राला बेचूं मैं? ओ नहीं, पहले इधर आओ, ये प्लांट करो। हाँ बल्कि देखो प्राइस क्या है इसकी, वीट की। वेट। ऐसे ये प्रेस करके पीछे जाओ, फिलहाल ये प्रेस करना है, वो देखो एक्टिव हो गया, ये आ रहे हैं यहाँ पे। बी मैप जो प्रेस, क्या क्या बोला प्रेस करना है, बी प्रेस करना है, ठीक है फिर मैंने खुलती, अच्छा याद रखना। अभी तुम्हें मुझे सिखानी पड़ रही है सारी गेम। अच्छा जी, तो अबे स्टेशन किधर है? अच्छी प्राइस मिल रही है स्टेशन वेट वहाँ की। जो लाइन गाड़ी और जब होती तक मैंने है वहां पे पहुंचना है, मुझे लगता है इन्होंने वैसे अपनी ये दुकान बंद कर देनी दुकान बंद कर देनी है, और इंतहाई सस्ते में बेच के आऊंगा, वो पंजाब में मंजी ठुकवा के आऊंगा मैं। इतनी देर में मैं यार जनाब। ये ट्रैक्टर दोनों बहुत ही ज्यादा स्लो हैं। चलो खैर, कभी ना कभी तो पहुंचेंगे। हेल्पर पे लगा दो वैसे। हाँ बाकी हेल्पर पे वो लगा के दे। हेल्पर तेनू की पता यार, उनकी दसा उन्हें पहले तो जाते हैं 2 दरख्त की वजना ठा ठा करके। चलो अभी मैं जा रहा हूँ वैसे फिलहाल, और तुम वो मैनेज कर लेना। अच्छा क्या परचेज किया था तुमने, मोवर परचेज किया मोवर? था? हाँ तो वो हाँ ग्रास करो ना आगे यार, जल्दी दो से। ही ट्रैक्टर हैं, क्या हाँ क्या हाँ करना मतलब है जल्दी से उनसे? आगे करो ना। अगली बार हम जो है ना वो थोड़े से कर लेंगे, तो ट्रैक्टर श्रैक्टर ले लेंगे। अच्छा इसमें करेंसी का रेट वही है या कोई डिस्काउंट किया है? अच्छा तुम ऐसा करो, चेक करो जनाब हमारे साइलो कितने भरे हुए हैं। वो जो देते हैं ना पहले, मेरे ख्याल से साइलो भरे होते हैं जनाब, पता नहीं 25-25 हज़ार होते हैं हाँ उनमें हाँ हाँ ट्वेंटी रीड्स। फाइव थाउजेंड ये तो होते हैं। हाँ वो चेक करो, वो सेल करो उससे पहले, काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल से पैसे यार में फिर मिल मेरे जाएंगे। ख्याल हाँ से टिपर भरा नहीं था, मैं भर के लाया था इसको रेट। अच्छा चल कोई नहीं, हुआ इतने में आ नहीं जाएगा यार वो फर्टिलाइजर? लेट मी चेक, देखो आ जाएगा आ जाएगा, ये देखो 15 का आ रहा है, 15 फिर। वो दूसरा 1,25,000 का है। अच्छा दो फर्टिलाइजर है ना इसमें। ये 6 मीटर्स वाला है, बस ये ले लेते हैं, बहुत है। जब हमारी औकात होगी बड़ा लेने की तो फिर बड़ा भी ले लेंगे। बड़ा लेना नहीं चाहिए क्यों नहीं, मैं फर्टिलाइजर की बात कर रहा हूँ, फर्टिलाइजर स्प्रेडर उसको, की। बनवाने के लिए ज्यादा पैसे चाहिए। तुम पता अच्छा नहीं क्या समझ रहे। छोड़ो, दुआ करो अब मैं क्या करूँगा, एज रिस्ट्रिक्शन ना आ जाए। यार ये क्या कमर तुम बड़े काम पे हो, ये देखो अभी तुमने क्या किया, कुछ भी मैं नहीं नहीं किया। काम पे ये। अच्छा यार ये ट्रैक्टर का नोट किया, ये भी FS16 की तरह ना, मतलब एक ही दम से एक्सेलेशन पकड़ता है जैसे हाँ इसने। फार्मिंग सिमुलेटर 17 यार, वो इतनी बकवास किस्म की गेम थी ना। अब मैं क्या बताऊँ, फार्मिंग सिमुलेटर 19 खेली खेली के, वो उसमें फिर भी थी थोड़ी बहुत रियलिस्टिक अच्छा यहाँ शायद जो देखने वाले उनको किसी को पता नहीं होगा, जब FS19 आई थी तो आसम थी। बहुत मतलब ना उसके खिलाफ था कि यार ये क्या बकवास है, नेक्स्ट जनरेशन गेम है और जनाब ये इतनी बकवास है, FS17 इससे बेहतर थी। अब देख लो। हाँ वाकई, जब फार्मिंग सिमुलेटर 19 आई थी तो मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद आई थी। एक तो उसमें ना वो ग्राफिक्स कुछ इस तरह से थे कि वो ना धूप मतलब पीली पीली से थे उसके ग्राफिक्स ना, और ब्लू ब्लू से थे, तो मुझे लगा यार ये पता नहीं क्या बकवास है। लेकिन वो वाकई शुरू शुरू में वो वाकई लाइट क्वालिटी जो है ना गेम की, वो इंतहाई बकवास थी। वो बाद में इन्होंने फिक्स की है, और मुझे नहीं पता इन्होंने कैसे फिक्स की है, लेकिन अभी देख लो कि सबसे बेस्ट लाइटिंग अगर आपने एक्सपीरियंस करनी है फार्मिंग सिमुलेटर 19 में, तो आप नो मैंस लैंड खेल लो। और उससे भी बेस्ट अगर ऑलमोस्ट रे ट्रेसिंग टाइप आपने लाइटिंग एक्सपीरियंस करनी है,
तो फिर जो न्यू मैप आया एरलैंग्रेंड, उसको प्ले कर लो। ये दो मैप्स ऐसे हैं जिनमें लाइटिंग जो है वो पूरे मैप की वो इंक्रेडिबल है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लाइटिंग है। अच्छा यार, ये जो जाइंट्स वाले फार्मासूटिकल जो पीसी है वहाँ, उसके लिए जो नया मैप निकालते हैं ना बाद में, उसका नाम बड़ा अजीब होता है, जैसे कि FS 17 के लिए। 17 में आया था स्पेशल पाचो। ओहो मतलब ठीक है, अब तो वो नाम ले लेके आदत हो गई है ना स्टेनिशियल पैसे, तो लेकिन ये वाकई अच्छा, हाँ। ये तुम्हें पता है इसकी एक स्टोरी है, मुझे नहीं पता इन्होंने मतलब ऐसा क्यों किया। अर्लैंग्रेट और फेल्सब्रन ये दोनों कनेक्टेड है मैप। अच्छा अगर आप फेल्सब्रन, वो ऐसे कहते हैं ट्रेन जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं ना, जब वो बाउंड्री से निकलती है ना ट्रेन, वो मैसेज आता है द ट्रेन विल नाउ गो टू फेल्सब्रन, यू कैन राइड द ट्रेन व्हेन इट विल रिटर्न फ्रॉम फेल्सब्रन। हाँ। तुम लेके आ रहे हो, ये क्या था? अच्छा मैं तो बेच के आ रहा हाँ, हूँ मैं वो लेने जा रहा हूँ जनाब, क्या मोर, आना मुझको। हाँ और मैं वो फर्टिलाइजर स्प्रेडर लेके आऊँ। हाँ तुम आ जाओ, तुम फील्ड्स को फर्टिलाइज करो। मैं वे एक मिनट अभी ना करना, इसको क्यों? फर्टिलाइज करने दो ग्रास को पहले। हाँ हाँ ले आओ, चलो मैं फर्टिलाइजर ला के तो फर्टिलाइज करता हूँ, तुम मैं पीछे मुड़ो। मोर ले हाँ आता हूँ, ठीक है। बस ये काम करके फिर एंड करते हैं गेम प्ले, ज़्यादा लंबा हो जाता है यार, तो यू नो साइज प्रॉब्लम। तो बाकी जो है वो अगले गेम प्ले में हम थोड़ी सी प्रेपरेशन कर लेंगे ना, ताकि गेम प्ले में ज़्यादा चीज़ें कर सकें। आज तो एक समवाट इंट्रोडक्टरी गेम प्ले जो है नहीं वो। नहीं इस सीरीज को मतलब प्लानिंग के साथ ना, बगैर चीटिंग के। हाँ। वैसे तो मतलब ये है कि ये हम मोबाइल पे खेल रहे हैं, इतना आसान नहीं है चीटिंग करना। वैसे भी हमने गेम परचेज की हुई है दोनों डिवाइसेस पे, और वैसे भी आईपैड पे तो इम्पॉसिबल है चीटिंग करना, यू नो हम कर ही नहीं सकते, तो चीटिंग तो हो नहीं ले सकती। दे के हमारे पास ही नैप पर चीज का ऑप्शन हाँ रह हाँ जाएगा। तो वो भी नहीं करनी। और जनाब इसको ना मतलब इंशाल्लाह गेम प्ले में ना हमने सही मतलब लेके जाना है आगे। अच्छा ये ट्रैक्टर खींच लेगा ये मूव, ये वाला हाँ मूवर यार हाँ पक्की बात है। हाँ चलो जल्दी से करो फिर ओए, फर्टिलाइज, ये बहुत महंगी और ये है पैसे क्यों नहीं काट रहे? देखो और मेरे कट रहे हैं इस तरफ। वो देखो वो तुम्हारे यार। एकदम अपडेट होंगे, वो देखा होगा ना, थोड़े हाँ से लेट अच्छा, होते हैं। और वैसे यार इतने भी नहीं काट। वे थोड़ा सा छोड़ रहे हो यार, इसको थोड़ा सा पास में से कम कर। चलो खैर अभी तो इसकी रेंज कम है। बहुत कम है, सिर्फ 6 मीटर है। ओ ये ख़त्म भी हो रही है यार, मैंने कहा यार FS16 में तो ये 10,000 का एक भर के देते थे, अभी 2-3 हज़ार ही काटे। हाँ ये इसमें उसमें पता नहीं इन्होंने क्या मतलब के जी भी लगाया हुआ था। तोबा तोबा, वहाँ पे तो बंदा फर्टिलाइजर खरीदने जाए, कपड़े ट्रैक्टर उतरवा के आएगा अपने। भेज के फर्टिलाइजर आते हैं। इसमें भी वैसे तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन होपफुली ये है कि वो फिर हम जल्दी जो है वो जान छुड़ा लेंगे। बस एक लोडिंग वैगन ले लें, फिर वो स्ट्रा हम जो है वो काट काट के काउस को डालते रहेंगे। वो एटलीस्ट मैनर तो हमें उसी वक्त प्रोड्यूस करके दे ही देंगे। तुमने तो इतना जूमिंग नहीं किया फिर, मतलब यार ना कम जूमिंग किया करो ना, जूम आउट करूँ? हाँ जूम इन करो। ऐसे वो फिर वो आगे आ रही है ना, हड आ रही है थोड़ी सी, हुड होती है यहाँ पे जो भी है। यार बड़ा ही ये अजीब सा है मूवर, बहुत ही कम वैसे मैंने यूज किया है ये मूवर। ये तुम्हें प्रो फार्मर बना देगा अभी इनको चाहिए था कि वो ना एक दरांती भी रखते ये। अल्ट्रा सुपर डुपर रियलिस्टिक फार्मिंग और अल्ट्रा सुपर डुपर पुअर पुअर फार्मिंग, उन्होंने निकाली थी ना वो दूसरी कंपनी ने प्योर फार्मिंग, ये निकालते पुअर फार्मिंग। बंदा वो दरांती लेके हर सुबह सुबह वो जो करते नहीं है लोग सुबह सुबह उठ के सुबह सुबह वो फार्मर उठता, ठीक है, फिर बाहर झाड़ियों में जाके हगता और साथ ही पट्ठे पट्ठे वो जो है वो काटता, जो भी मतलब विलेज टाइप है। ओ ये क्या हुआ? देखो, ये कितने पैसे काटे थे हमने दो फर्टिलाइजर दो 2,000 से 2 से 3,000 रुपये के दरमियान दरमियान।
तो वो 2000 से देखो, ज्यादा ही लगती ये मतलब सारे का सारा ग्रास फील्ड ये खा गया फर्टिलाइजर कमा है। रहा हाँ, हूँ, और दूसरे तो पूरे तुमसे होने भी नहीं। अच्छा जो 30,000 थे, ओ शिट यार, ये ऑलमोस्ट 3,000 रुपया काट रहे हैं। ये रेट इसका फ्लक्चुएट नहीं करता फर्टिलाइजर नहीं, नहीं का। ये क्या मतलब, मैं तो कसम से ये नया ही है, कोई अजीब ही पंगा है इस फर्टिलाइजर का, फर्टिलाइजर का और ये इस मोवर का अजीब ही है। अच्छा भाई, हमने इसे पार कहाँ करना है? वो उधर है, उसके ऊपर ही रख दो, नहीं तो वो फील्ड नहीं को तो नहीं फर्टिलाइज करो। हाँ वो कर रहा हूँ ना। यार ये बहुत फर्टिलाइजर खाते हैं यार ये तो। ओए साहब, मैंने लगता उत्थे ही आ, उत्थे बस फर्टिलाइजर महंगा बहुत सी इत्थे लगता बहुत। हाँ वाकई। हिसाब वहीं पे ही है। वो एक दफा फिल करवाते थे, कितने फिल हो जाते थे उससे पहले? उससे मेरे ख्याल से 3 होते हैं, और इससे हाँ, इससे एक भी नहीं होता। बस इन्होंने है ना बिल्कुल सेम है यार, प्राइस बिल्कुल वही रखी हुई है, बस ये है कि वो कैपेसिटी कम कर दी है। हाँ। ये थोड़ा सा बीता रह गया। अरे यार बड़ा ही कोई अजीब है, मैं कसम से मेरा फुल कंसंट्रेशन इसमें, मैंने अच्छी खासी अभी चवले मारनी थी यहाँ पे। सारा कंसंट्रेशन ये बहुत सीधा ले गया मुंह पर। अब ये ट्रैक्टर चावले मार रहे हैं। सारा कंसंट्रेशन इसमें ले लिया। ओके जी गाइस, होपफुली आपको गेम प्ले जो है वो पसंद आया होगा कमर के साथ आज का मल्टीप्लेयर। और कोई भी सजेशन हो आपकी तो आप मेरे साथ कमेंट में शेयर कर सकते हैं। फेस कैम नहीं आया उसकी, मल्टीपल रीजंस हैं, एक तो खैर कमर ने आपको गेम प्ले में ही बता दी है। तो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट गेम प्ले वेरी सून, बाय। बाय बाय।